गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे है एंड एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग नेक्स्ट जर्नी में हम क्या करने वाले, तो मैं यहाँ पे एक आपको वॉच लिस्ट बता रहा हूँ। जैसे मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, सो हेयर आई हैव लिस्टेड 50-50 ऑल 50 कंपनीज विच इज़ माई वॉच लिस्ट फॉर डेली विजिट। अब देखो इसमें मेरे सब निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, राइट? आपको ये मनी कंट्रोल पे ही मिल जाएगा, टेंशन नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ग्रो के मेरा अकाउंट में जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं जस्ट ट्रैक कर रहा हूँ, इन्वेस्ट करने वाला हूँ। देन बैंक के मेजर जैसे निफ्टी 50 में डिफरेंट इंडेक्सेस के डिफरेंट वेट्स होते हैं, तो बैंक्स का अराउंड 23% है। कम ज़्यादा होता रहता है बट नॉर्मली 23% है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके कुछ स्टॉक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में। उसके बाद टेक स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड उसका इंडेक्स होता है, उसके ये सब स्टॉक्स हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैसेस, तो इसका अराउंड 14% वेटेज है इन इंडेक्स। जैसे टेक स्टॉक्स का 18% था, ऑयल का 14% है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स, रिलायंस बहुत ज़्यादा भागा है। आफ्टर दैट ऑटो एंड फार्मा सेक्टर्स 8% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। जैसे आप देख सकते हैं ये सब ऑटो स्टॉक्स इंडेक्स में जो आते हैं वो है। एंड देर आर फार्मा स्टॉक्स फ्रॉम सन फार्मा, जाइडस, डॉक्टर रेड्डीज एंड सो ऑन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे वॉच लिस्ट में गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी 50, इंडिया वीक्स, देन अदर इंडेक्सेस जैसे CBSE, ETF, निफ्टी बैंक, IT, ऑटो, फार्मा, इंफ्रा, पब्लिक सेक्टर, कंज्यूमेबल्स, गोल्ड एंड सिल्वर बीस, ये रहते हैं। क्योंकि ये सब ओवरव्यू देते हैं आपके ये इंटरनल स्टॉक्स के इंडेक्स का ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है इसके लिए। सो होपिंग दैट ये जो बेसिक वीडियो है इसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियोस। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।